एवरीबडी, टुडे वी विल रीड चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एनी इज फीलिंग अबाउट डायरी। एनी की फीलिंग क्या थी डायरी लिखते टाइम, या उसको कैसा लगता था डायरी लिखना, ये आपका फर्स्ट हेडिंग है। एनी राइट्स हर डायरी। शी फील्स दैट डूइंग सो इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर वन लाइक हर। एनी जब डायरी, मतलब एनी डायरी लिखती है, लेकिन उसको लगता है कि ये डायरी लिखना उसके लिए एक तरह से थोड़ा अजीब काम है। इट इज़ सो बिकॉज शी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग अर्लियर। उसको ऐसा इस वजह से लगता था क्योंकि उसने कभी भी इससे पहले कोई ऐसा लिखने वाला चीज़ ट्राई नहीं किया था। सेकेंडली, नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग समथिंग रिटन बाय हर एज शी इज़ अ स्मॉल गर्ल। और सेकेंड, उसको ये भी लगता था कि वो एक छोटी सी लड़की है, तो कोई भी उसकी डायरी पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो उसको लगता था एक तरीके से डायरी लिखना उसके लिए यूज़लेस है। हम सब भी हैं, मतलब फेमस लोगों की बातें पढ़ते हैं, उनकी उनके ऑटोबायोग्राफी देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक एनी जो छोटी सी लड़की है, तो उसको लगता था कि कोई उसके बारे में इतना कोई ध्यान नहीं देगा और कोई उसकी डायरी नहीं पढ़ेगा, तो उसको लगता था कि ये चीज़ डायरी लिखना उसके लिए एक तरह से फालतू काम है, उसको लिख के भी उससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला। राइट्स अ डायरी, अभी आपका हेडिंग है कि एनी ने डायरी लिखा। वन डे एनी फेल्ट अ बिट डिप्रेस्ड। एक दिन एनी थोड़ा उदास थी। शी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। उसको ऐसा महसूस हुआ कि लोगों से ज़्यादा पेपर के अंदर सब्र है। मतलब हम अगर पेपर पे कुछ भी लिख दें या खिंचा दें या कुछ कर दें, तो पेपर हमसे वापस कुछ उल्टा बोलेगा नहीं, लेकिन वहीं अगर हम गलती से किसी इंसान को कुछ बोल दें या हमारे मुंह से उसके बारे में कुछ निकल जाए, तो वो उल्टा हमसे लड़ने लगेगा। तो उसको लगता था कि इंसान के अंदर सब्र कम है कागज़ से, और कागज़ के अंदर वही सब्र बहुत ज़्यादा है। शी वॉज वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और इसी वजह से उसको लगा कि मुझे, मतलब बाहर जाके दोस्त बनाने चाहिए कि मैं घर में ही रहूं, और वो इसी सोच में पड़ी रही। फाइनली शी स्टेड इन, और उसने अंत में ये फैसला किया कि उसको घर पे ही रहना चाहिए। शी फेल्ट दैट शी वोंट लेट एनी वन रीड हर डायरी अनलेस शी फाउंड अ रियल फ्रेंड। तो उसके ये भी महसूस हुआ कि वो कभी भी अपनी डायरी किसी को भी पढ़ने को नहीं देगी जब तक कि कोई उसको अच्छा और गहरा दोस्त नहीं मिल जाएगा। सो शी रोट इट, और उस टाइम से उसने लिखना स्टार्ट किया। राइटिंग अबाउट हर फैमिली, फिर उसने अपनी डायरी में अपनी फैमिली के बारे में भी लिखा। शी रोट दैट शी वॉज नॉट कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। उसने लिखा कि वही एक ऐसी लड़की नहीं है जो पूरा, मतलब अकेली है इस दुनिया में। बट शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। लेकिन उसके पास कुछ है जिस चीज़ से उसको फ़ख्र होगा, और वो थे उसके मम्मी पापा जो उसको बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एंड प्लस उसकी एक बड़ी बहन थी जो 16 साल की थी। शी हैड बॉट 30 people अराउंड हर। शी हैड अबाउट 30 people अराउंड हर शी कुड कॉल फ्रेंड। और उसके पास कम से कम 30 लोग थे जिनको वो दोस्त कह सकती थी। देन शी हैड अ फैमिली आंट एंड अ गुड होम। और उसके बाद फिर उसके पास परिवार वाले थे, अंकल आंटियां थे, और अच्छा घर था। अभी कुछ गरीब लोग होते हैं, उनके पास रहने को घर नहीं होता, और गरीब होने के वजह से उनके पास कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन एनी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास उसके पेरेंट्स प्यार करने वाले थे, उसके पास एक फैमिली थी, उसके अंकल आंटी थे, और उसके पास एक अच्छा सा घर था। बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड। इतना सब चीज़ होने के बावजूद भी उसके पास अगर एक चीज़ की कमी थी, तो वो थी एक अच्छे मित्र की। शी थॉट ऑफ हैविंग अ गुड टाइम व्हेन शी वॉज विथ फ्रेंड। उसको लगता था अगर मैं दोस्तों के साथ रहती तो मैं और अच्छे से इंजॉय कर पाती लाइफ को। बट शी कुड नॉट गेट क्लोज़र। बट लेकिन उसके लाइफ में ऐसा कोई दोस्त नहीं था। शी एडमिटेड इट हर फॉल्ट दैट शी डिडंट कन्फाइंड इन ईच अदर।
फिर उसको ये भी लगता था कि वह ज़्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, इसी वजह से हो सकता है कि उसके कोई अच्छे दोस्त नहीं बने। सिंस दे वर नॉट लाइबल टू चेंज शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी शी मेड इट हर फ्रेंड। और उसको लगता था एक तरह से अगर वो फ्रेंड्स बना लेगी तो वो लोग पता नहीं अच्छे निकलेंगे या नहीं, और एनी की सीक्रेट्स वो रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। इसकी वजह से उसने सोचा कि सबसे अच्छा काम जो है हम डायरी ही, मैं मतलब डायरी में ही लिखती हूँ। डायरी लिखने से होगा कि वो अपनी डायरी को कुछ भी बोले तो उसकी डायरी कभी एग्जॉस्ट नहीं होगी उसकी बातें सुन सुन के, और वो जैसा जैसा उसको बोलेगी वो ऐसा ऐसा उसमें वो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो उसको लगा कि वो डायरी लिखते वक्त कंफर्टेबल रहेगी, तो इस वजह से उसने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। डायरी नेम्ड एज स्किटी। तो अब उसने अपनी डायरी के बारे में बताया है कि उसने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। जैसे हम किसी को प्यार से अपने फ्रेंड्स का नाम रख देते हैं, अपने मम्मी पापा हमारे हमें प्यार से अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उसी तरीके से इसने अपने डायरी का नाम किटी रखा। शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर फ्रेंड, और वो चाहती थी कि उसकी डायरी जो है उसकी फ्रेंड हो जाए, सो शी नेम्ड इट एज हर फ्रेंड किटी। और इसी वजह से उसने अपनी डायरी का नाम रखा फ्रेंड किटी। शी रोट अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ दो शी लाइक्ड डिसलाइक्ड डूइंग सो। तो उसने, अब हम डायरी लिखते हैं तो उसमें अपने बारे में ज़रूर लिखते हैं, उसी तरीके से उसने शॉर्टकट में थोड़ी बहुत अपने लाइफ के से जुड़ी हुई चीज़ें उसने उस डायरी में लिख दिया। उसको पसंद नहीं था लेकिन फिर भी उसने लिख दिया। शी रोट दैट हर फादर मैरिड हर 25 ईयर ओल्डर मदर एट द एज ऑफ 36। तो उसने लिखा कि उसके पापा जो हैं, उसके पापा की एज 36 ईयर थी जब उन्होंने उसकी मम्मी से शादी की थी, जिसकी मम्मी की एज थी 25। तो मतलब जब एनी के पापा ने एनी की मम्मी से शादी की थी तो एनी के पापा का ईयर था 36 एंड उसकी मम्मी की एज थी 25। हर सिस्टर मार्गरेट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और उसकी सिस्टर जो थी मार्गरेट थी, वो उसका जन्म जो हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था 1926 में। शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और एनी जो थी वो 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और उसके पापा जो हैं जर्मनी से हॉलैंड 1933 में आ गए। हर मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हर फादर टू हॉलैंड और उसकी मम्मी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जो थी उसके पापा के साथ हॉलैंड आई थी, बट शी एंड हर सिस्टर वर सेंट टू एकेन टू स्टे विथ देयर ग्रैंड मदर। लेकिन उसकी एनी और उसकी बहन को एकेन भेज दिया गया अपने दादी के साथ या ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। देन दे वेंट हॉलैंड और उसके बाद फिर वो लोग हॉलैंड आए। एनीज स्कूल, देयर वॉज एनी, अभी हम यहाँ एनी के स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। देयर शी वॉज सेंट टू अ मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल, उसको मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल में डाला गया। शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6 और एनी जो है वहीं पर रही जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो गई। इन द 6th क्लास अ टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस और जब वो 6th क्लास में आई तो उसकी टीचर जो थी मिसेस क्यूपरस थी। बोथ हैड टीयर्स वेन दे बेड फेयरवेल। तो जब एनी ने स्कूल छोड़ा तो उसकी और उसकी मैम की आंखों, दोनों की आंखों में आंसू थे कि मतलब अब फिर कभी मिल नहीं पाएंगे, और एनी अच्छी लड़की थी, अच्छे से पढ़ाई करती थी, इस वजह से दोनों की आंखों में आंसू थे। रीज़न फॉर नॉट राइटिंग द डायरी, फिर कुछ टाइम हुआ कि वो अपनी डायरी जो थी वो अपडेट नहीं कर पाई, तो उसका रीज़न अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। इन द समर ऑफ 1941 हर ग्रैंड मदर फेल इल, तो गर्मी का वक्त था 1941 में जब उसकी ग्रैंड माँ थी वो इल बीमार हो गई। शी हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन और उनका जल्द से जल्द इलाज करवाया गया।
लेकिन उसके बाद भी मतलब उनका इलाज जो है टेम्प्रेरी ही रहा। शी डाइड इन जनवरी 1942 और 1942 में उनकी डेथ हो गई। शी थॉट ऑफ हर ग्रेटली एंड शी लव्ड हर स्टिल। तो एनी जो है अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी और वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दे सेलिब्रेटेड एनीज बर्थडे इन 1942। द फोर ऑफ देम वर डूइंग वेल टिल 20 जून 1942। तो उन्होंने एनी का जन्मदिन भी है 1942 में एनी का जन्मदिन भी था, तो एनी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया गया। लेकिन 1942 तक उन लोगों के साथ एनी और उसकी फैमिली के साथ सब ठीक चलता रहा। देन एनी रोट हर डायरी अगेन। तो जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तब एनी ने डायरी लिखना फिर से स्टार्ट कर दिया। और इसी ग्रैंडमा की डेथ की वजह से ही एनी कुछ टाइम तक डायरी नहीं लिख पाई थी। उसके बाद जब सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई तो फिर से धीरे धीरे एनी ने डायरी लिखना स्टार्ट किया। अबाउट क्लास अफेयर्स, इट वॉज़ द डे। अब क्लास अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब क्लास में क्या क्या चीज़ें होती थी उसके। इट वॉज़ द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। और उस दिन क्लास में रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन था। एवरी वन इन अ क्लास वॉज इन टेंशन। और सारे के सारे बच्चे जो थे रिज़ल्ट मिलने की वजह से टेंशन में थे। द रीज़न वॉज हु वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु वुड नॉट। और वहाँ पे रीज़न ये भी था कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन अगली क्लास में नहीं होगा, मतलब कौन पास कर पाएगा कौन पास नहीं होगा। दे हैड बेट्स विद अदर बॉयज़ ऑन हु वुड पास एंड हु वुड नॉट। सारे बच्चे एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे कि कुछ अच्छे होते तो कहते हैं अरे मैं पास हो जाऊँगा। उसी तरीके से उसके क्लास में सारे बच्चे ऐसे ऐसे एक दूसरे से कह रहे थे कि हम पास हो जाएंगे। She found the teachers as the most unpredictable creature on the earth. तब एनी को लगा कि टीचर जो हैं वो एक इस पृथ्वी पे एक मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल चीज़ ऐसी है, क्योंकि कब उनका रिज़ल्ट क्या होगा, कब वो क्या चीज़ें हमें करने के लिए बोल दें उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता। She was not worried about her girlfriends and herself. तो वो अपनी और अपने दोस्तों के बारे में मतलब कोई भी टेंशन नहीं थी, उसको लगता था कि हाँ वो क्लियर कर लेगी। शी वॉज श्योर टू मेक दैट बट शी वॉज नॉट श्योर अबाउट मैथ। तो बाकी सब्जेक्ट में तो श्योर थी कि हाँ अच्छे से क्लियर कर लेगी, लेकिन उसका जो डाउट था वो मैथ में था। दे कुड वेट टू टोल्ड ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और सब एक दूसरे से कह रहे थे टेंशन नहीं लो, अच्छे से पास हो जाओगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका, मिस्टर किसिंग गिव्स एक्स्ट्रा वर्क एज पनिशमेंट। तब मिस्टर किसिंग ने उसको पनिशमेंट के तौर पे एक्स्ट्रा काम दिया। शी वेंट अलॉन्ग हर टीचर प्रीटी वेल। वो उसका अपनी टीचर्स के साथ अच्छा मतलब रिलेशन था। टीचर्स जो भी जैसे जैसे काम करवाती, जैसा जैसा एक्सप्लेन करती, वो अच्छे से कर लेती। मिस्टर किसिंग वॉज अ डल पर्सन हु टॉट देम मैथ्स। मिस्टर किसिंग जो थे थोड़े से सादे किस्म के इंसान थे और वो मैथ पढ़ाते थे। ही वॉज ऑलवेज़ अनॉयड विथ हर एज शी टॉक्ड मच। और वो मिस्टर किसिंग जो थे हमेशा एनी से गुस्सा करते थे क्योंकि एनी जो है बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ही गेव हर एज अ पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क। और इसी वजह से क्लास में ज़्यादा बात करने की वजह से मिस्टर किसिंग ने एनी को एक्स्ट्रा काम दिया पनिशमेंट के तौर पर। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। और वह एक तरीके से ऐसे था चैटर बॉक्स पे उसको ही कैसे लिखना था। शी वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी कुड राइट अबाउट इट। और फिर उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि इस चैटर बॉक्स के ऊपर वो क्या लिखे। शी पुट अ स्लिप ऑफ इट ऑन हर स्कूल बैग। इट वॉज टू रिमाइंड हरसेल्फ टू राइट लेटर। और उसी वजह से उसने अपने बैग पे एक स्लिप लगा दिया चैटर बॉक्स का कि उसको एक ऐसे लिखना है ताकि बाद में जब वो देखे तो उसको याद आ जाए कि हाँ उसको ये काम मिला था। डज द होमवर्क गिव एन एक्स्ट्रा। उसके बाद उसने जो उसको एक्स्ट्रा काम दिया तो उसने कर लिया। इन द इवनिंग शी हैड डन हर होमवर्क। शाम के वक्त उसने अपना काम कर लिया। शी बिगेन थिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। और फिर वो सोचने लगी कि उस एसे में हमें क्या लिखना है। शी थॉट टू राइट गुड पॉइंट्स ऑफ आर्गुइंग टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो उसने मतलब अनेक आइडिया सोचे
कि एक मतलब बहस करने का कि बातें क्यों ज़रूरी हैं। देन शी हैड एन आइडिया, फिर उसको एक ख्याल आया। शी देन रोड द 3 pages टू हर सेटिस्फेक्शन, उसके बाद उसने 3 pages लिख दिए। शी रोड दैट टॉकिंग वॉज अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट, हर मदर ऑल्सो यूज टू टॉक मच, शी इनहेरिटेड दिस ट्रेड फ्रॉम हर मदर, शी ट्राइड टू कीप क्वाइट। तो उसने उसमें ये लिखा कि ये एक तरह से उसने लिखा कि बच्चों को बात करना ज़रूरी होता है और उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं और ये चीज़ उसको अपने मतलब अपनी मम्मी से जेनेटिक के तौर पे मिली हैं और हो सकता है इन फ्यूचर वो बात करना कम करेगी, कंट्रोल करेगी। होमवर्क एज पनिशमेंट गिवेन अगेन, मिस्टर किसिंग रीड इट एंड लाफ्ड। तो मिस्टर किसिंग ने उसका ऐसे पढ़ा और वो हंसने लगे। देन ही गेव हर अनदर ऐसे एज शी डिडंट स्टॉप टॉकिंग, और उसके बाद उन्होंने पनिशमेंट के तौर पे एक और ऐसे दिया लिखने के लिए क्योंकि वो फिर से बातें कम करना नहीं की। शी वॉज टू राइट इट ऑन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स, अब उसको एक उसको हेडिंग दी गई थी इन एन इनकॉर्जिबल चैटर बॉक्स पे, उसको एक ऐसे दोबारा लिखना था। शी रोट इट एंड इट सेटिस्फाइड मिस्टर किसिंग, और उसने फिर से ऐसे लिखा और इस बार जो मिस्टर किसिंग थे वो ऐसे ऐसे पढ़ के थोड़ा संतुष्ट हुए। शी डिड नॉट टॉक फॉर 2 lessons बट शी स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन इन द 3rd lesson। तो फिर वो उसने क्या किया, 2 lessons तक तो वो कुछ नहीं बोली पर जब 3rd lesson स्टार्ट हुआ तो उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया। ही बिगेन आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, इट वॉज क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो उन्होंने फिर उसको पनिशमेंट दिया और उसका हेडिंग था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, द क्लास 2 रोड इन टू लाफ्टर हियरिंग इट। तो जब क्लास के बच्चों ने ये हेडिंग सुना तो वो हंसने लगे। शी ऑल्सो लाफ्ड, और सब सबको हंसता देख वो भी हंसने लगी। शी वॉन्टेड टू राइट समथिंग ओरिजिनल नाउ, और उसको लगा कि अब कुछ अच्छा और कुछ असलियत वाला लिखना चाहिए। हर फ्रेंड सैनी वॉज गुड एट पोइट्री, और उसकी फ्रेंड जो थी सैनी थी और वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। शी हेल्प्ड हर टू राइट द ऐसे इन वर्ड्स, तो उसकी फ्रेंड ने उसकी हेल्प की ऐसे को एक तरीके से पोइटिक लाइन में लिखने के लिए। एनीज पोयम अ जोक ऑन मिस्टर किसिंग हिमसेल्फ, तो एनी का जो पोयम था अब मिस्टर किसिंग ने कैसा लिया और उन कैसा लगा उसके बारे में है। एनी हैड फिनिश्ड हर पोयम, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। तो एनी ने पोयम अपनी क्लास में सुनाया, ख़त्म सुना के ख़त्म किया, और ये जो पोयम थी एक मदर डक और फादर हंस के बारे में थी। विथ 3 babies, और उनके 3 बच्चे थे डकलिंग, द 3 ducklings वर बिटन टू डेथ बाय हर फादर, और जो तीन बतख थे वो अपने पिता द्वारा पीटे गए और इतना कि ऐसा लग रहा था अब उनकी जान चली जाएगी। इट वॉज़ बिकॉज दे क्वैक टू मच, और ऐसा इस वजह उसके फादर ने उनको इसलिए मारा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक विथ राइट वे, और इसी वजह से जो उसकी पोइटिक थी वो मिस्टर किसिंग ने अच्छे तरीके से ली। मिस्टर किसिंग हैड प्लेड अ जोक ऑन हर, और उसकी वजह से मिस्टर किसिंग ने उसको जोक वे में लिया और लाइटली लिया, बट शी हैड इट ऑन हिम। मिस्टर किसिंग ने उसको मतलब अपने नॉर्मल वे में लिया। उसके बाद उन्होंने फिर से वो पोयम क्लास में पढ़ी और उसके बाद उन्होंने इस बार अपनी कुछ कुछ कॉमेडी वाले पंचेज उन्होंने क्लास में उसके साथ कमेंट भी डाल दिए। सिंस देन शी हैड बीन अलाउड टू टॉक, और उसके बाद से उसको बात करने की अनुमति दे दी गई। शी हैडन्ट इवन बीन गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क, और बात करने से अब उसको एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिल रहा था। मिस्टर किसिंग कंटिन्यूड मेकिंग जोक्स इन द क्लास, और इसी वजह से मिस्टर किसिंग जो थे वो क्लास में काफ़ी जोक्स भी करने लगे। ये था आपका द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। थैंक यू एवरीवन।